लोग जाते ही नहीं है, ऑफिसों से निकलते ही नहीं है, ऑफिस में तनख्वाह लेते हैं और शाम को घर में पैसा लेते हैं। देखिए आर्किटेक्चरल और टेक्निकल जो मिस्टेक है, अंगूठा छाप लोगों को आप बिल्डिंग बनाने की इजाज़त और सर्टिफिकेट दे देते हो, तो जो बिल्डर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है बहुत जरूरी है, उनको कुछ पता ही नहीं तो बिल्डिंग ऐसे ही बनेगी। ये जो ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं ये कब गिर जाए आपको नहीं पता, इसके अंदर जितने लोग रह रहे हैं कब ये घर उनके लिए कब्रिस्तान बन जाए ये भी नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त गाजियाबाद के मसूरी इलाके से, जहाँ पर आपने सुना होगा कि कैसे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला थी कुछ नहीं हुआ नियमों के हिसाब से। ए के मिश्रा जी सोशल इंटेलेक्चुअल हमारे साथ, सर ये क्यों होता है, क्या आपको समझ आ रहा है इनकी बातें सुन के ये क्यों हो रहा है? मैम देखिए ये क्या है, ये सारे नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, 3 लेयर में एनालिसिस होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि देखिए आर्किटेक्चरल और टेक्निकल जो मिस्टेक है, अंगूठा छाप लोगों को आप बिल्डिंग बनाने की इजाज़त और सर्टिफिकेट दे देते हो, तो जो बिल्डर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है बहुत जरूरी है, उनको कुछ पता ही नहीं तो बिल्डिंग ऐसे ही बनेगी। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है GDA वगैरह का कि रेगुलर जाके ऐसी बिल्डिंग की चेकिंग करते रहना, लिस्टिंग करते रहना। आप जाके उनके रोस्टर उठाइए, जिस हिसाब से मीटर वगैरह की रेगुलर चेकिंग होती है, हर डिपार्टमेंट जाके चेकिंग करता है, ये लोग जाते ही नहीं है, ऑफिसों से निकलते ही नहीं है, ऑफिस में तनख्वाह लेते हैं और शाम को घर में पैसा लेते हैं। ये लोग जाते ही नहीं है, ऑफिसों से निकलते ही नहीं है, ऑफिस में तनख्वाह लेते हैं और शाम को घर में पैसा लेते हैं, ऑफिस में तनख्वाह लेते हैं और शाम को घर में पैसा लेते हैं। और तीसरी चीज है जो सबसे बड़ी कमी है, आप एक 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो पूरी की पूरी एक बुकलेट मिलती है, ये बिल्डर लोग क्यों नहीं करते हैं, कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है। सब कुछ मिला था आप लोगों को, देवेंद्र जी है, कहाँ जाता है वो पैसा, कहाँ जाता होगा वो पैसा जिसकी बात कर रहे हैं? नहीं देखिए ये जो बिल्डरों की लॉबी है और गवर्नमेंट और प्रशासन, इन तीनों का नेक्सस है। आप ये देखिए आज BJP जीती तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तरफ के जो बिल्डर थे वो अब BJP की तरफ आ गए, कल समाजवादी पार्टी जीतेगी तो वो उनकी तरफ आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पैसा सबको बनाना है और पैसा बनता है क्वालिटी नॉर्म से समझौता करके, इसीलिए ऐसी बिल्डिंगें गिरती हैं। बोला यही 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो आपको पूरा क्वालिटी मैनुअल मिलता है, कंज्यूमर अवेयरनेस की भी जरूरत है। ये प्रावधान होना चाहिए कि बिल्डर शुरू से लेकर अंत में एंट्री तब तक न मिले कंज्यूमर को जब तक कि पूरा एक क्वालिटी नॉर्म न दे कि हमने आपका फ्लैट बनाया है, कितनी लाइफ है, सरिया कितने का लगा है, क्या लगा है। यही पे सारे लोग समझौता करते हैं, डिपार्टमेंट भी लोगों को नहीं पता चलता ना। आपको बताइए कितने 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 पैसे में घर मिला, बोला है ना कि एक कंज्यूमर कितने की रजिस्ट्री हुई आपकी, कितने में आपको पैसा, बिल्डिंग गिर गई है उसके बारे में सब इकट्ठा हो रहे हैं और जो गिरने वाली है उसका क्या है उसके बारे में भी तो देखो। उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशासन से पूछती हूँ तो वो भाजपा भाजपा करने लगते हैं। सर हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमको ये पूछना है कि आपकी सरकार थी, आप एक बात बताइए, पहले आप इंतजार करते हैं कि पहले वहाँ पे बिल्डिंग गिरे फिर हम कहेंगे कि देखिए हम लोग तो रेस्क्यू कर रहे हैं। अरे रेस्क्यू करना काम है आपका, एहसान थोड़ी कर रहे हैं हमारे ऊपर। प्रिवेंटिव मेथड क्यों नहीं लिया आप लोगों ने, आप हमें बचाए, जिम्मेदारी किसकी होगी? बात ये है कि पैसा बहुत है, मरने का इंतजार किया जाता है ताकि मुआवजा आसानी से दे दे, 2 लाख रुपए एक आदमी की जान की कीमत। मैं देखूं कुछ चीजों को पैसे से नहीं तोला जा सकता है, लाइफ जो है एक ऐसी है पैसे से उससे कोई कीमत नहीं है। सवाल यहाँ पे है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अवैध निर्माण करवाना और फिर उसको वैध डिक्लेयर कर देना ये वोट बैंक की राजनीति हो गई है। कोई भी नेता आकर के यहाँ नहीं बोलेगा कि ये अवैध निर्माण है तो हम डिमोलिश करेंगे, ये करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो क्वालिटी नॉर्म है स्काई स्क्रैपर